वैसे मुझे लगता है इस मूवी के ट्रेलर में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के बच्चे के बारे में दिखाया जाएगा। आपको याद रहेगा मूवी के लास्ट में पैदा होते ही इन दोनों का बच्चा अचानक हवा में गायब हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया भाई। मतलब मुझे एक उम्मीद थी कि उसमें कुछ न कुछ तो दिखाया जाएगा बच्चे के बारे में, बट भाई सपना वही रह गया, धरा का धरा रह गया। वैसे ट्रेलर में हर मूवी की तरह इसमें भी पहले थोड़ा सा पानी दिखाया जाता है, उसके बाद किसी वायरस के बारे में बात की जाती है, जैसे लिटरली सारे सुपर हीरो और हॉलीवुड के मूवी में वही चल रहा है, वायरस फैला दो, उसको ठीक करने का एंटीडोट ढूंढते रहो और उसमें मूवी खत्म हो जाती है। और तीसरा बताया जाता है बदला, जबकि विवेक ओबराय इसमें विलन के रोल कर रहे हैं और उनको बदला चाहिए, क्यों चाहिए वो देखते हैं। जैसे क्रिस 3 में विवेक ओबराय ने बोन मैरो को पाने के लिए तांडव मचा दिया था, मतलब कासा पीटर लोहा जो भी मिला उसका सूट बना लिया था। अब देखते हैं कि इस मूवी में किसको लेकर बवाल मचाते हैं विवेक ओबरा। वैसे ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी रिलीज हो रही है 1 मार्च 2025, मतलब कि अभी 4-5-6 महीने है, तब तक भाई आप वेट कर लो, हो सकता है मूवी में कुछ अच्छी बातें हो जाए। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।